हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। नेटवर्क कम्बेट 2020 का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, नेटवर्क का गिव अवे का क्वेश्चन था, जो सरप्राइज मैं आप लोगों को दिया, पहले से नहीं पता था आपको। उस क्वेश्चन में क्या था, N1 की वैल्यू 200 था और N2 की वैल्यू 400 था, और ABCD पैरामीटर दिया था मैं उस कॉइल के लिए जो नेटवर्क था कॉइल के फॉर्म में, और ये था आपके पास N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स थे। जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया, फोर लोगों को सिलेक्ट किया गया, फिर सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, फोर लोगों को सिलेक्ट किया गया। सबसे पहले जिसका आंसर आया था, मैं रेडमिन पैनल से जो मेरे को जो एक आता है 1x1 कि किसका सही आंसर, वो पहले आया था। तो ये फर्स्ट नाम है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो ये फोर्थ नाम है, सबको 500 रुपीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो पहले वाले स्टार्टिंग वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कर भी गया है। आपको क्या करना रहेगा, आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर अपना डिटेल्स भेजना रहेगा व्हाट्सएप पर, कि डिटेल आप भेज दो व्हाट्सएप वाले नंबर पे। तो मैं आपको नंबर लिख देता हूं, नाइन सेवन, ये नंबर पे आप भेज देंगे अपना पूरा डिटेल, 9713 लास्ट टाइम भी बताया था मैं, 9713 131 56 इस नंबर भेज देंगे, ठीक है। फिर मैं सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलो जस्ट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 500 कोई बड़ा बात नहीं होता। आप अपने एक फ्रेंड को ले जाओगे मूवी दिखाने PVR में तो खत्म हो जाएगा 500। बट ये जो हमको अप्रिसिएशन मिलता ना, बहुत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हम अपने स्कूल लेवल में थे तब भी अगर हमको कोई टीचर अप्रिसिएट कर दे, या हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते थे, भले चाहे वो 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का हम लोग को एक मेडल मिलता था, लेकिन वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता था। तो हमेशा एक अप्रिसिएशन जो होता है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। किसी को 100 रुपीज़ का कोई आप दे दोगे तो उससे उसकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी, लेकिन वो उसकी जो फीलिंग रहेगी ना, वो उसको बहुत आगे कैरी करवाएगी। तो अगर आप अपने, आपका फ्रेंड अगर आपको बोलता है कि आप विनर है इस कम्बेट के, तो भले चाहे अमाउंट बहुत बिग नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यस आई कैन। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल फीलिंग के लिए लोग हमेशा जीते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं लाइफ में कुछ भी बेटर कर सकता हूं, तो ये छोटे छोटे जो एप्रिसिएशन होते हैं वो किसी को ना आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये होना चाहिए, इसलिए जस्ट मैं ये सब पार्ट कर रहा हूं कि ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो और सिर्फ इस पैसे के लिए आप सिर्फ ये आप आंसर दे। जस्ट मेरे को पता है कि एक गुड एप्रिसिएशन किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। एक बेसिक जो फॉर्म होता है उसकी इंटरनल फीलिंग का, वो उसको इंटरेस्ट बढ़ाएगा इस सब्जेक्ट में, घर में बैठ के वो और पढ़ेगा। किसी को अगर ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है तो मेरे को लगता है कि वो अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहले जो स्टार्टिंग के 3 लोग थे जो पहले कम्बेट में गिव अवे था उसमें, और ये नाम अलग अलग है, ये डिफरेंट नाम है। ये मेरे को लगता है कि ये आईडी आपका डिफरेंट होगा, बट फिर भी ये 4 नेम है। आप ट्राई करो कि आपका नाम एकदम परफेक्ट रखो, आप डिफरेंट आईडी से मत जाओ, परफेक्ट नाम अपना रखो बोला, ठीक है। सॉल्यूशन क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग आंसर दे दिए, आपके पास A/D में पूछा था, तो बहुत सारे लोग A/D का आंसर जैसे 1 दिए। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि A/D आंसर तब होता है जब वो सिमेट्रिकल होता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम नहीं है। एक में 200 टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में 400 टर्न्स है, तो फिर सिमेट्रिकल कहाँ हुआ। सिमेट्रिकल तब होता है जब नंबर ऑफ टर्न्स 200 और 200 होते प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, या सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में 400 होते। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स सेम होते तब सिमेट्रिक होगा ना, कि आप बाइसेक्ट करोगे तो इधर भी 200 उधर भी 200, लेकिन आप देख सकते हो यहां तो ऐसा है नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं था, तो इक्वल टू डी नहीं होगा। इसका मतलब जो लोग आंसर 1 दिए थे वो मिस्टेक हो गया। सेकेंड चीज है कि कई बार हम मिस्टेक करते हैं किस वे में, क्वेश्चन टफ नहीं था, मिस्टेक इस वे में करते हैं कि बहुत सारे लोग का A/D का जो आंसर आया -0.25 आया, तो उनको क्लियर रहना चाहिए था कि ABCD पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है वो तो V1=AV2 - BI2 और I1=CV2 - DI2 होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क की, तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि टू पोर्ट नेटवर्क में अगर V1 है और ये I1 है, और अगर ये V2 और I2, अगर आपके पास आउटपुट अगर टू पोर्ट करंट है, ये अगर आउटपुट टू पोर्ट करंट है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। इसका इक्वेशन होगा V1=AV2 - BI2 और I1=CV2 - DI2। एकदम बेसिक चीजें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसका इक्वेशन ये है। बट मैं जो आपको I2 प्रोवाइड किया था वो लोड करंट दिया था, इसका मतलब है कि मैं कॉइल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क का बेसिक फिगर बना दे रहा हूँ। तो मैं आपको प्रोवाइड किया था ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है और ये I2 है, और I2 आपके पास ऐसा था, तो I2 का डायरेक्शन चेंज था, इसका मतलब इसके लिए ये इक्वेशन लिखा था, यस ठीक है गुड है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म, आपके पास कॉइल के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज का रेशियो होगा, जो भी इंड्यूस EMF या वोल्टेज होगा V1/V2, वो N/1 होता है या सिंपली N1/N2 होता है।
ये एन वन बाई एन टू होता है आपके पास, ये क्लियर होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि जब ये आई टू के फॉर्म में लिखा है तो फिर कितना होना चाहिए, आई टू अपन आई वन, और आई टू रिप्रेजेंट द लोड करेंट दिस फिगर आई टू, आई टू बाई वन का रेशियो कितना होगा एन वन बाई एन टू, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ये बेसिक था एकदम कि आई टू बाई वन की वैल्यू एन वन बाई एन टू, वी वन बाई वी टू की वैल्यू भी एन वन बाई एन टू, आई टू आपके पास, अगर मैं आई टू टू पोर्ट करेंट बनाता तो फिर ये रेशियो माइनस हो जाता क्योंकि मैं आई टू टू पोर्ट करेंट बनाता, जबकि हम जब बात करते हैं तो लोड करेंट जो कि लोड से फ्लो होता है, अगर मैं लोड अगर क्रिएट कर दूँ उस जगह पे तो ये आई टू अपन आई वन ये है, तो इतना हमारे पास था। अब मेरे पास जो पूछा था, मैं ए बाई डी पूछा था, तो ए की वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितना होगा, तो ए की वैल्यू वी वन अपन वी टू होगा वेन आई टू इक्वल टू जीरो, तो ठीक है उस समय अगर आपको आई टू अगर मैं जीरो कर रहा हूँ तो सिर्फ वोल्टेज के रेशियो की बात करना है तो वी वन अपन वी टू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल, ये तो कंडीशन होती है कि आई टू इक्वल टू जीरो पुट करो तो वी वन बाई वी टू की वैल्यू एन वन बाई एन टू था आपके पास, तो 200 बाई 400 था, तो 200 बाई 400 दैट मीन्स द 1 बाई 2, तो अगर कोई पूछ रहा है कि ए की वैल्यू कितना है तो 1 बाई 2। अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन तो अपने पास ये वाला डेफिनेशन है, तो डी की वैल्यू कितना है आई वन अपन आई टू, आई वन अपन आई टू और आई वन अपन आई टू एंड वेन वी टू इक्वल टू जीरो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर वी टू जीरो है आपके पास तो ए की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी सर, और आई टू जीरो है तो डी की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, नहीं भाई, जब आई टू जीरो है तब वी वन बाई वी टू निकाल रहे हैं, अब अभी वी टू जीरो तो आई वन बाई आई टू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आई वन बाई आई टू का रेशियो कितना होगा, तो आई वन बाई आई टू का रेशियो जो होगा वो एन टू बाई एन वन होगा, और एन टू बाई एन वन होगा मतलब 400 बाई 200 होगा, तो 400 बाई 200 दैट मीन्स टू आ गया, तो ये डी की वैल्यू आपके पास था 2। तो अगर मैं पूछा था कि ए बाई डी का रेशियो कितना होगा तो बहुत सारे लोग सही आंसर भी देख सकते हो आप, 1 बाई टू डिवाइड बाई टू तो 1 बाई फोर 0.25, तो कई लोग सही भी सॉल्व किए, उनका माइनस 0.25 आ गया, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किए, मैं थोड़ा सा लास्ट में बोलते बोलते बोल भी दिया था कि देखना थोड़ा माइनस प्लस का केयर करना, तो मेरे को लगता है मेरे बोलने से कई लोग माइनस साइड चले गए, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ लोगों से जानबूझ के गलत करवा दिया, इंसिस्ट किया इस बात को रखा ध्यान से कि माइनस की प्लस, ऐसा बोलने से चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी, तो कुछ लोग मिस्टेक किए होंगे, उनको अखर रहा होगा कि माइनस 0.25 नहीं आना चाहिए था। तो आराम से अपने को बेसिक में रहना है, गुड फॉर्म में रहना है, ठीक है हम जल्दी आंसर नहीं दे पाए, हम लोग कुछ सेकंड्स के बाद आंसर दे पाए, इट्स ओके। जस्ट मैं इस क्वेश्चन को भी आसान रखा, मैं बस चाहता हूँ कि आपको अप्रिसिएशन मिलते रहे, आपको ये समझ आए कि आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि किसी को अगर हम अप्रिसिएट कर रहे हैं तो उसकी फीलिंग बहुत गुड होती है, तो मैं गुड फीलिंग के लिए वर्क कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की फीलिंग बहुत गुड हो, वो घर में बैठ के दिन दिन भर पढ़े, उसके लिए कोई अप्रिसिएट करने वाला होना चाहिए कि यस यू कैन, तो उसके बाद ना आपको लगता है कि ठीक है किया जा सकता है करके, इसलिए जस्ट मैं बेसिक क्वेश्चन रखा, अभी एकदम से टफ क्वेश्चन रख नहीं रहे, रखेंगे धीरे धीरे रखेंगे, तो टफ क्वेश्चन रखेंगे तो आप देखेंगे जिनको बहुत आता है वो लोग आंसर दे पाएंगे, एकदम से नॉर्मल स्टूडेंट जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है वो एकदम से आंसर दे नहीं पाएंगे, तो अभी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्निकल चीजों के साथ जाए और घर बैठ के पढ़ते रहे और सोचते रहे कि यस हम भी डिजर्विंग लोग हैं, हम अच्छा कर सकते हैं करके, इसलिए सरप्राइज वाला जो पार्ट है वो रखेंगे अपन, आप ही लोग सजेस्ट किए थे, और मैं एक वीक में ऐसा भी नहीं है किसी दूंगा तभी गिव अवे आएगा, ये भी मत सोचना आप, एक वीक में एक से ज्यादा बार गिव अवे आ सकता है, तो अपन सरप्राइज वाला पार्ट हमेशा रखेंगे रहेंगे, तो जो लोग भी कम्बेट को प्रॉपर फॉलो करेंगे उनको मिलते रहेगा गिव अवे, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिविल कोई भी ब्रांच हो, अपन ऐसा करते रहेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में यह था कि मिस्टेक कोई ना करे, किसी का माइनस 0.25 ना आ जाए, जस्ट इसलिए फ्रेम किया कि आपको समझ आए कि आप तो ये इक्वेशन जानते हो, बट ये इक्वेशन इसका होता है व्हेन आई टू रिप्रेजेंट द आउटपुट टू पोर्ट करंट, जब आप इसको लिखते हैं इसका मतलब आई टू रिप्रेजेंट द लोड करंट, अगर मैं लोड लगा दूं तो देखो ये टू पोर्ट करंट के अपोजिट है इसलिए माइनस की जगह प्लस हो गया, और अगर मैं वोल्टेज के रेशियो की बात करता हूं तो एन वन बाई एन टू, और करंट की बात करता हूं तो अगेन एन वन बाई एन टू, अगर करंट अगर मैं टर्न रेशियो प्राइमरी वाइंडिंग अपन सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न रेशियो सेम रखता हूं तो करंट का रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन आई टू अपन आई वन में आई टू होता है, इस आई टू अपन आई वन, इसका मतलब कि माइनस साइन देखने को आपको नहीं मिला, तो एक बेसिक एकदम बेसिक गुड क्वेश्चन था, बहुत लोग आंसर 0.25 दिए, सही आंसर है आपके पास, ठीक है। तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव आपके इंटरेस्ट का कि आप इंटरेस्ट ले, न्यू क्वेश्चन के साथ इंटरेस्ट ले, गेट का क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है, गेट के क्वेश्चन में भी लोग मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में थोड़ी एकदम से टफ क्वेश्चन आता है, तो ये एग्जैक्टली गेट के स्टाइल का क्वेश्चन है, फिर अपन धीरे धीरे टफ करेंगे, टफ के लिए ज्यादा वरी ना करें, टफ फ्रेम करना कोई बहुत बिग बात नहीं होती है कि टफ कैसे फ्रेम करेंगे, फिर देखेंगे कि टफ कैसे फ्रेम करेंगे, अभी बस आप हर एक चीज को नोट करते जाए, जैसे आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि अच्छा ये मिस्टेक नहीं करना अपने को अगले बार से, ये इसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है, तो ये आपको कंसेप्ट मिल गया, अब आप इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट करके रखे रहे, जितने लोग भी माना 0.25 लगाए वो अगली बार मिस्टेक नहीं करेंगे लाइफ में कभी भी, जब भी इस टाइप की बात होगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि अपने को ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। जो लोग जबरदस्ती वन बोल रहे थे वो ध्यान रखे कि भाई ए इक्वल टू डी तब होता है जब वो सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, बट नंबर ऑफ टर्न्स तो मैं अलग दिया था, तो जस्ट एक बेसिक और गुड क्वेश्चन था और आप लोग आंसर दिए, तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा बात नहीं थी, जस्ट ये दो कंसेप्ट में नोट किया कि दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, गुड फॉर्म में ये पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए, और बाकी तो ए बाई डी का रेशियो निकालना था,
तो ठीक है, ये 4 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जो आंसर दिए आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और याद रखिएगा, अगर आप इतने सारे लोगों के बीच में से अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप फील कर सकते हो कि आप अच्छा करने के लिए डिजर्व करते हो लाइफ में। तो इन सब एप्रिसिएशन को इंजॉय करो और मेहनत करो और वर्क करते रहो। अगली बार जब भी आपको कम्बेट आता है तो आप हमेशा ट्राई करो कि मेरे को आंसर देना है। ये जो थॉट होगा ना आपको कि मेरे को आंसर देना है, गिव अवे हो ना हो, लेकिन बार बार जब आप सोचोगे कि मेरे को आंसर पहले देना है, मेरे को आंसर पहले देना है, तो ना ये आपके लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, आपके टेक्निकल कंसेप्ट के लिए बहुत ही गुड होगा। कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, ज़्यादा वरी मत करो कि आपके आजू बाजू वाले बोलते हैं यार आप तो बहुत आंसर देते हैं। इग्नोर, जो लोग भी ऐसी बात करते हैं सब इग्नोर। एक जमाने के बाद 5 साल 10 साल बाद ये सब बात मैटर नहीं करेगी। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे वो मैटर कर जाएगा। तो अभी आजू बाजू वाले लोग जो होते हैं वो कुछ भी बोले उनको इग्नोर करो। आप अपने पे फोकस करो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। समझ आ रहा है? तो आपको लगता है मेरे को आंसर देना चाहिए, आप बस पेन कॉपी निकाल के रखा करो कि जो क्वेश्चन आने वाला कम्बेट का, भाई हम तो 5 मिनट अप्लाई करेंगे, 5 मिनट लगाने से कुछ भी जाता है। ठीक है, चलो ऐसे एंजॉय करते रहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहूंगा, कुछ एक्साइटिंग बात करते रहूंगा, हो सकता है कुछ डिफरेंट वे में भी चीजें लेते रहूंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं करूंगा, बाकी टीचर भी इन्वॉल्व होंगे, बाकी टीचर अपने क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लोग, मेरे को लगता है कि जो कनेक्शन होगा गुड होगा। तो एंजॉय करते रहिएगा ऐसे ही आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।